eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Hello guys, welcome back to Gaming Virus. Good afternoon to everyone. जहाँ सभी का स्वागत है गेमिंग वायरस चैनल पे. तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ गाइस कि ये है कि वॉर लीग के पॉइंट्स जो होते हैं हमारे नॉर्मली, अभी मेरे पास हैं 233 पॉइंट्स. तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो लो लेवल रहते हैं, मैक्स को तो छोड़ो चलता है कि उनका ऑलमोस्ट सारे मैक्स होते हैं, लेकिन लो लेवल प्लेयर्स के लिए ये कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे कम्प्लीट करना है अपने अपडेट्स को कैसे. और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जितने भी अपने पॉइंट्स होते हैं वो यूज़ कर देते हैं हैमर ऑफ बिल्डिंग्स पे. मतलब सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे. तो यार ये एकदम बेकार है, आपको ये यूज़ नहीं करना है. तो ये मैं बेस्ट आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जितने भी बिल्डर्स रहते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी हैं 4 बिल्डर फ्री, तो इनको मैं करूँगा बिजी और इसको जल्द से जल्द भी अपग्रेड करूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी आने वाला है क्लैन वॉर लीग बस 8 दिनों में. तो 8 दिनों में मुझे अपने जो डिफेंस वो अपग्रेड करने हैं, जो मेन डिफेंस आपके सबसे स्ट्रांग होते हैं उनको आपको थोड़ा सा मैक्स करना होता है नेक्स्ट लेवल के. जैसे कि मेरे पास है इन्फर्नो टावर, 2 मेरे पास इन्फर्नो टावर है उसको मुझे अपग्रेड करना है, और उसी के साथ जो है एक्सबोस हैं उनको मुझे एक लेवल के लिए अपग्रेड करना है, या तो आर्मी कैंप्स रहते हैं उनको अपग्रेड करना होता है, या आपको लेबोरेटरी, ऑलरेडी मेरा चल रहा है तो अगर लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी के लिए, या हिडन टेस्ला. तो ये कुछ ऐसे डिफेंस होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं आपके मतलब बेस के लिए. और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा वॉर लीग जो है क्लैन गेम्स ये भी ख़त्म होने है, ऑलमोस्ट हमें सारी लूट मिलने वाली है. तो यहाँ पे क्या क्या लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस. तो मे बी ये लेट हो सकता है मुझे अपलोड करने के लिए. अगर ये क्लैन गेम्स ख़त्म हो रहा है तो यार बस कुछ देर वेट कर लो, इस वीडियो को देख लो, और ज़रूर उसके बाद सही सा मतलब ऑप्शन लेना जो आपको आगे जाके वॉर लीग के लिए भी हेल्प कर पाए, और उसी के साथ जो है आप अपने डिफेंस और ट्रूप्स को जल्द से जल्द मैक्स भी कर सको. और गाइज अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. तो हम इसी तरह से मैं लाइव भी आता हूँ, रिकॉर्डेड भी मैं अभी शुरू कर दिया है. तो ये उनके लिए जो भी एक्टिव बंदे हैं ये मुझे देखना है, क्योंकि मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं तो उतने तो व्यूज़ मुझे नहीं आ रहे. तो जितने एक्टिव हैं बंदे तो बेस्ड ऑन दैट मैं देखूँगा कि कौन से बंदे एक्टिव हैं. तो गाइज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बंदे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को. और ज़रूर गाइस ये जो पॉइंट्स हैं वॉर लीग पॉइंट्स आपको क्या यूज़ करना, पहले तो ये याद रखो कि बिल्डर पोर्शन है आपके पास, तो यहाँ पे इसमें जो अपग्रेड रहता है वो 10x फास्टर रहता है, क्योंकि इसमें कितने आवर्स मतलब एक आवर का वीडियो जो है मैं अभी बना देता हूँ अभी के अभी. तो इसमें एक आवर में कितने आवर इसमें लेस करता है आपका अपग्रेड टाइम, मतलब एक दिन में एक दिन का टाइम दिया गया है 24 आवर्स का, तो वो कितने दिन लेस करता है मतलब कितने घंटे लेस करता है बिल्डर पोर्शन को यूज़ करते हुए. और आपको मेनली क्या लेना है, अगर आप लो लेवल हो टाउनहॉल 10 भी हो या टाउनहॉल 11 भी हो तो आपको क्या लेना है, एलेक्सायर या गोल्ड. मतलब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखना है आपको कि आपके पास गोल्ड कितना है, एलेक्सायर कितना है, और क्या क्या आपको अपग्रेड करना है. तो अभी के लिए मुझे जो अपग्रेड करना है वो है मेरे इन्फर्नो टावर, क्योंकि वॉलिंग आने वाला है तो वो मुझे मैक्स करना है. और यहाँ पे मेरे पास क्या क्या लूट है, यहाँ पे हमें रूम्स ऑफ डार्क एलेक्सायर, लेकिन मेरे पास शायद यहाँ पे ऑलमोस्ट ओके इस आईडी में तो नहीं है. अगर रूम्स ऑफ डार्क एलेक्सायर आपको चाहिए गाइस तो आपको क्या करना है, यूज़ करना है उसको तो अपनी जो है एलेक्सायर स्टोरेज उसको मैक्स करो डायरेक्टली, मतलब जिस लेवल में है उसी लेवल में उसको यूज़ करके वेस्ट मत करो, इसी को यूज़ करो, यूज़ करने के बाद मैक्स करो, मैक्स जब हो जाए तब आप ये ले सकते हो. या तो यार आप ले सकते हो इतना सा लूट है, मतलब 37 लाख का लूट है जो नॉर्मल जो बंदे होते हैं टाउन 11, 10 या 12 वो ले सकते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से लूट नहीं मिलता है हमें टर्न 11 और 12 में. और जो वॉल्स के लिए अपग्रेड कर रहे हैं यार तो वॉल रिंग तो बेटर है उनको अगर सब कुछ मैक्स है तो. और ये कब लेना है आपको वॉल रिंग्स, तब आपको मतलब ज़्यादातर जैसे कि अभी एक मेरा लेवल है यहाँ पे वॉल का 10 लाख का है, तो ये तो लूट मार सकते हो. तो 11 मतलब टर्न लेवल जो वॉल लेवल 11 होता है या 12 या 13 उस लेवल के लिए आप वॉल रिंग्स ले सकते हो, वो बेटर ऑप्शन है. अगर लो लेवल की बात करूँ तो यार बेटर रहेगा कि आप लूट कलेक्ट करो बुक ऑफ हीरोज, मतलब आपका ज़्यादा मतलब मोर देन 25 लेवल का है किंग क्वीन है तो तभी यूज़ करना, उसके अलावा आप लूट लेके जाओ बेटर रहेगा. और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है जैसे कि पोर्शन होगा या ये बिल्डर पोर्शन, तो इसमें क्या लेना, अगर आपके पास लोएस्ट मतलब ट्रूप्स हैं गाइस, लोएस्ट लेवल ट्रूप्स हैं और आपको वॉलिंग में जो है कोई मेम्बर टफ पड़ जाता है तो आपको जो काम आता है वो है पावर पोर्शन. तो ध्यान में रख के लेना कि आपके पास मैक्स ट्रूप्स हैं,
आपके आपको उनको हराने के लिए, या आप रश किए हो। अगर रश किए हो तो पोषण अच्छा है, और पोषण या तो ये बिल्डअप पोषण है ताकि आप अपने जो है जितने भी बिल्डअप फ्री रहते हैं, मतलब बिजी रहते हैं, उनको फास्टेस्ट आपके अपग्रेड करने के लिए। और इसमें तो यार आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब गोल्ड या डार्क एलेक्जर जो ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, लास्ट से फोर्थ या फर्स्ट से थर्ड वाला, ये कर सकते हो। और जो सेकेंड लाइन है यहाँ पे, इसको यही सेलेक्ट करना है। ट्रेनिंग पोर्शन मैंडेटरी है क्योंकि वॉर के टाइम पे यूज़ होता है, और इवेंट आने वाला है आप जैसे कि जानते हो, मतलब एक दिन में ये ट्रिपल थ्रेट ये आने वाला है। इवेंट आने से पहले मैं एक अटैक भी करूँगा, और हो सके तो आज ही इसका मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा आपको। बस 3 मिनट हैं हमें ये लेने के लिए। और यहाँ पे एलेक्जर ले लो यार, ये छोड़ दो, जेम्स तो नहीं चाहिए उतना, मतलब जेम्स के पीछे मत जाओ, जेम्स तो फ्री में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, और डार्क एलेक्जर भी। तो एलेक्जर लूट लो, ये मेनली है। और जैसा मैं बता रहा था कि वॉलिक पॉइंट को कैसे यूज़ करना है, बस 3 मिनट हो जाएगा। बस इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कलेक्ट करने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि मैंने क्या क्या कलेक्ट किया है, और कैसे कैसे अपग्रेड किया, और कैसे हेल्प होगा, क्योंकि आपको वॉलिक पॉइंट्स भी इतने ज़्यादा, मतलब डायरेक्टली वेस्ट भी नहीं करना है, वो आपको यूज़फुल है। बस 1 मिनट, और मैं अटैक भी जाके आता हूँ। अगर अटैक है तो भाई उसको यूज़ करो, जो 5 स्टार रहते हैं, जैसे कि बता देता हूँ, लूट जितने ज़्यादा होगी उसके बाद ही सब कुछ, जब फिनिश हो जाए, जब कुछ मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ना हो तभी जाके करना। जैसे कि स्टार बोनस है मेरे पास, 5,40,000 आने वाला है, तो इसको छोड़ के मतलब वॉलिक पॉइंट्स को यूज़ मत करना, इसको यूज़ कर लो यार। अभी जैसे कि लो लेवल प्लेयर्स होते हैं उनको तो डेड बेस मिल जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को उतना मतलब जल्दी से नहीं मिलते हैं बेसिस। तो बस लूट करो, स्टार बोनस लो, और उसके बाद जो भी है उसको क्लियरली डिसाइड करके फिनिश करो। अभी बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा फनल बना के वैलकरीज को भेजना चाहता हूँ, लेकिन लूट तो इस साइड है। एक काम करता हूँ, लूट हमें चाहिए और उसी के साथ स्टार्स भी चाहिए हमें। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हील, यहाँ पे एक हील, यहाँ पे एक रेंज स्पेल डाल दूंगा, यहाँ पे एक फ्रीज। ऑलमोस्ट डेड बेस है, देखा आपने, ऑलरेडी ये क्लियर है यहाँ पे। और जो लून से यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ ताकि क्वीन को थोड़ी सी जगह मिले। गाइस और आपको कोई भी डाउट हो तो 8 to 12 के लिए ये कैसे यूज़ करना है और क्या है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे मैं करूँ, क्या अपडेट करूँ, कोई भी कन्फ्यूजन जो भी लोएस्ट प्लेयर हैं उनके लिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है। और आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नए, मतलब दूसरे क्लान, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्लान को मैं विज़िट करूँ, और आपको जो है मैं गाइड करूँ। ज़रूर गाइस, हमें बस सपोर्ट चाहिए, 1,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द होने वाले हैं, 500 के करीब हैं। तो बस जो भी नए बंदे देखते हैं मेरे वीडियो को, ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। अगर आपको कोई भी बुरी चीज़ लगी हो, या मतलब ऐसे ही कुछ बकवास सारी चीज़, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना ताकि उसको हम आगे जाके सही कर सकें। तो ऑलमोस्ट तो लूट हमें आ चुका है यहाँ पे 2 स्टार के साथ, इसको एंड कर लेता हूँ मैं। जैसा आपने देखा यहाँ पे जो मुझे लूट मिला है वो 4 लाख, 3 लाख गोल्ड और एलेक्जर मिला है, उसके साथ आपको बोनस भी मिलता है गाइस। तो तभी क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा लूट, मतलब जितना आप वेस्ट कर रहे हो उतनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मे बी ये हो चुका होगा, 25 सेकेंड्स, जस्ट 25 सेकेंड्स, अभी हम नहीं ले सकते, 19 सेकेंड है, तो लास्ट मोमेंट में आप पॉइंट्स भी नहीं कर सकते हो। बस 10 सेकेंड, जैसे ही होगा मैं वन बाय वन कलेक्ट करूँगा। चलो रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पे 58,000 हमारे पूरी टीम ने मिलके बनाए हैं स्कोर, जो 6 दिन तक आप ले सकते हो। अगर समझ लो आपको कोई भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जेम्स ही जेम्स चाहिए, तो जो रिवॉर्ड्स हैं उसको कलेक्ट मत करो, तो जो भी आपने कंप्लीट किया है पॉइंट्स अनुसार, तो वैसे ही आपको जेम्स क्लैश ऑफ क्लैन की तरफ से मिल जाएंगे। तो जेम्स रिवॉर्ड्स में मिलते हैं अगर आप रिवॉर्ड्स कलेक्ट नहीं करते हो 6 दिन के बाद भी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो ये जो है मेरा रूम्स ऑफ डार्क एलेक्जर का स्टोरेज जो अपग्रेड हो रहा है, ये अभी मुझे मैक्स करना है। तो अभी के लिए मुझे क्या ज़रूरत है गाइस, क्योंकि
मुझे अभी डार्क एलेक्जर वाला, रूम्स ऑफ डार्क एलेक्जर वाला स्टोन मुझे नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरा ये अपग्रेड हो रहा है और 3 दिन इसमें लगेंगे, और बस 7 ही दिन में हमें आ जाएंगे क्लैन वॉलीज. तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो चाहिए वो है गोल्ड लूट, क्योंकि मुझे अभी अपना दोनों इन्फानो टावर जो है मैक्स करने हैं. तो इसी तरह मैं आपको चारों के चारों बिल्डर जो है बिजी करके दिखाऊंगा. ये यहाँ पे मैंने गोल्ड सेलेक्ट किया. ओके, यहाँ पे सीसी में जो भी है उससे पहले ध्यान रखना कि कलेक्ट कर लो आप. ये मैंने टोटली कलेक्ट कर लिया. यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे एलेक्जायर, और यहाँ पे मुझे चाहिए अपना पोर्शन यार, क्योंकि मेरे पास लोएस्ट जो है ट्रूप्स हैं, तो मुझे आगे जाके वॉल लीक्स के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. क्योंकि ये आप ले सकते हो मतलब पोर्शन को इजीली, मतलब वॉल लीक पॉइंट्स के थ्रू आप पोर्शन को ले सकते हो, लेकिन आप इसको नहीं ले सकते हो पावर पोर्शन को. तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप पावर पोर्शन को लो. और यहाँ पे जो है मुझे गोल्ड में नहीं ले सकता हूँ दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ. तो डार्क एलेक्जर है, और उसी के साथ क्या है, क्लॉक टावर बूस्ट. तो मैं इतना तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ. अगर ये क्लैन गेम्स होता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अपग्रेड वगैरह करने के लिए, या ट्रॉफी पुशिंग के लिए आप करना चाहते हो क्लैन गेम्स में, उसके लिए यूज़ कर सकते हो. तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना डार्क एलेक्जर और ट्रेनिंग पोर्शन, और दोबारा मुझे चाहिए एलेक्जर, क्योंकि मुझे ट्रूप्स अपने अपग्रेड करना है. चलो, ये कर लिया मैंने कलेक्ट. जैसा आप देखते हो, गोल्ड, एलेक्जायर, डार्क एलेक्जायर, एक पावर पोर्शन, और एक दो जो है ट्रेनिंग पोर्शन. 46 लाख का हमें ये मिला है एलेक्जायर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुल है, क्योंकि एलेक्जायर है. तो मैं इसको कलेक्ट करूँगा. अभी कलेक्ट में निकल लिया, 95 लाख है, और मुझे ये सारी चीज़ें अपग्रेड करना है टाउनहॉल 12 के लिए. यहाँ पे देखो गाइस, ये है. तो इसमें अभी क्या करना है आपको, पहली बात, अभी जितना इतना लूट है, और मेरे पास 5x बोनस का भी है ऑप्शन, 30 स्टार करूँगा तो वो भी मिल जाएगा मुझे. तो पहले जो मैं करूँगा, अपना पहला इन्फानो टावर मैं करूँगा 4th लेवल के लिए. ये हो जाएंगे 7 दिन. देखा, जैसे कि 7 दिन का टाइम है, 7 दिन का टाइम है. तो इससे जल्दी, मतलब क्लाइंट गेम्स का स्टार्ट होने से पहले मुझे इसको करना है यूज़. और यहाँ पे आप बलून्स देख रहे हो मेरे, यही मैक्स हैं इसके लिए. और यहाँ पे क्या करना है हमें, अपना एक आर्मी कैंप. आर्मी कैंप सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है गाइस, जितने ट्रूप्स आपके ज़्यादा रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा. सो ये मैंने एक अपग्रेड के लिए डाल दिया. तो यहाँ पे जो लूट मैंने कलेक्ट की थी वो हो गई कंप्लीट. थोड़ी सी और एलेक्जायर की लूट है, ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. ये मैंने ले लिया. अभी जो है वॉलिक्स पे आते हैं. यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अभी गोल्ड लूट चाहिए. तो मैं गोल्ड को तब तक लेता रहूँगा जब तक ये फिल ना हो जाए. 75, 79, तो मुझे चाहिए और कितने, 10 लाख्स. 10 लाख्स मतलब 25 लाख का इसमें जो है फ़र्क आ रहा है, यानी हमें थोड़ा सा कम करना होगा, इसको अपग्रेड करना होगा, क्योंकि 25 लाख की ही हम लूट ले सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली. ये मैंने ले लिया, 94 लाख हो गया. तो डाल दिया मैंने अपना दूसरा इन्फर्नो, जो मेन मेरा है अपग्रेड, उसको मुझे करना. अभी बस हमारे पास है एक ही मतलब बिल्डर फ्री. तो यहाँ पे जो है अभी मुझे ग्रैंड वार्डन भी अपना लोवेस्ट है, तो ग्रैंड वार्डन अपग्रेड करना है. तो मैं क्या करूँगा, जो 133 पॉइंट्स हैं उसको मैं ग्रैंड वार्डन के लिए यूज़ करूँगा. तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है गाइस कि आपको पोर्शन लेने के लिए भी पॉइंट्स चाहिए. तो जिसके ऑलरेडी मेरा बूस्ट पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, मैं इसको यूज़ करूँगा. अभी आप देख सकते हो कि 2 डेज 23 आवर्स, ये है 7 डेज 23 आवर्स. तो आप देखो कि 1 घंटे में ये कितना होता है यूज़. मैं आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ. तो 23 आवर्स का ये कितना होता है ये आप देख लो. तो एग्जैक्टली 1 आवर का बिल्ड पोर्शन का अपग्रेड 1 आवर में कितना टाइम ये लेस करता है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पांचों बिल्डर्स यहाँ पे बिजी हैं. तो दोनों का आप देख लो, मैं बस ऐसे ही रखे रहता हूँ इसको, ताकि जो है इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकूँ जब मैं अपना वीडियो एडिट करूँगा, तो ये इजी होगा. बस मेरे पास और कोई तरीका तो नहीं है दूसरा वाला. या एक काम करूँ, इनको मैं एक साइड में ले लेता हूँ. अबे आ जा यार, ये हिल क्यों नहीं रहा? ग्रैंड वार्डन नहीं हिल रहा.
ओके हिल गया, चलो आप देख सकते हो कितनी जल्दी ये बिल्ड मतलब वर्कर्स काम कर रहे हैं 23 आवर्स, बस इसी को चलने देते हैं गाइस। तो ये जो है जब तक 1 आवर ये कंप्लीट ना हो जाए मैं ऐसे ही इसको छोड़ा रहूँगा। तो ज़रूर गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो कुछ भी जो भी मेरी जानकारी दी है आपके लिए अगर वो यूज़फुल है तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट हो आगे जाकर क्लैन गेम्स के लिए कोई भी डिटेल्स चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे बताओ। अगर कोई भी मैंने गलती की है या आप और बेटर ऑप्शन हमें देना चाहते हो तो ज़रूर बताओ यार, हम उसको आगे जो यूज़ करके देखेंगे। और मैं एक दूसरा वीडियो भी डालूंगा जो है ट्रिपल थ्रेड जो वॉर है जहाँ पे गोलम विजार्ड और पेका का जो है एक स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे अपने मेन अकाउंट से, तो उसके भी मैं अटैक्स करूँगा और ज़रूर लेके आऊँगा। तो गाइस आप ये बस देखते रहो, ये है 2 डेज़ 23 आवर्स पे हमने स्टार्ट किया है। तो एग्जैक्टली कितने आवर ये रश मतलब कंप्लीट करेगा ये मैं ऐसे ही रख के आपको दिखाता हूँ ताकि फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। आप बस देखते रहो, मैं बस अभी आया, म्यूज़िक एंजॉय करो, मैं चार्ज पे लगा देता हूँ अपना फ़ोन 1 घंटे के लिए, ये चलता रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। 1 मिनट या मैं पॉज कर लूँ, बेटर रहेगा पॉज कर लूँ। सो गाइस बस थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चला गया था। सो यहाँ पे जो है देखा जैसा आपने बताया था मैंने 2 ओवर 23 आवर्स का हुआ था ये, और ऑलमोस्ट अभी हो चुका है 2 डेज़ 20 आवर्स, यानी 3 घंटे का जो है ये फिनिश कर चुका है अपना बिल्डर। और इसका टाइम कितना और बाकी है आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, 41 मिनट्स और इसके बाकी हैं 40 मिनट्स। 40 मिनट्स तक देखो आप खुद लोग ये देखो कि कितने टाइम में ये मतलब कितना जल्दी ये आपके ट्रूप्स को कर देता है थोड़ा सा मतलब मैक्सड आउट। ये तभी होता है जब आपके पांचों के पांचों बिल्डर्स हो जाते हैं बिजी गाइस, तो इसलिए सही टाइम पे अपने क्लैन वॉर लीग के जो पॉइंट्स होते हैं उनको यूज़ करने का सीख लो। तो मतलब जब आते हैं तभी का तभी आप यूज़ करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक वॉर लीग के पॉइंट्स आप यूज़ नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उसको सेव करके रखो नेक्स्ट वॉर लीग के पॉइंट्स तक, तब जो दोनों जुड़ जाएंगे तब जाके यूज़ को ला। ये जो भी है इसके लिए बोल रहा हूँ जो लोएस्ट प्लेयर्स हैं जो ज़्यादातर उनके क्लैन में गेम्स मतलब आप जीत नहीं पाते हो बस ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होते हैं उनके लिए है। तो बस दोबारा मैं पॉज कर लेता हूँ, तो दोबारा मतलब 1 घंटा होने से पहले ही मैं आपको दिखा दूँगा कि एग्जैक्टली कितने ओवर का ये अपग्रेड करता है एक बिल्डर पोर्शन। ओके till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... सो जैसे कि गाइस आपने देखा है सो विद इन 1 आवर, तो जैसे कि 2 डेज़ 24 आवर्स का हमें टाइम दिया गया था और एग्जैक्टली जितना कम हुआ है आप देख सकते हो 7 8 9 10
10 ओवर का एग्जैक्टली जो है 1 ओवर के बूस्ट में जो है कम हुआ है। तो इसी तरीके से आप जो है बिल्डर पोर्शन को यूज़ करो यार, मतलब अपने बिल्डर्स को जो है करो बिजी, बिल्डर पोर्शन को लो, इसको अपग्रेड करो, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है ताकि आप जो है अपने डिफेंस को कर सको सबसे पहले मैक्स गाइस। तो चलो मैं बस अभी के लिए इसको एंड करता हूँ ऑलरेडी, और मैं और एक बूस्ट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये जल्द से जल्द अपग्रेड करना है, अपने नेक्स्ट वॉर लीक तक इसको कंप्लीट भी करना है। तो मैं इसको लेके जो है अभी दोबारा 1 आवर के लिए डाल दूंगा ताकि अपने 10 आवर जो है कम कर सकूँ, क्योंकि बस 7 ही दिन बचे हैं वॉर लीक आने के लिए। तो आप भी ऐसे ही करना गाइस ज़रूर। और मेरे दूसरी आईडी में भी है जो स्ट्रॉन्गेस्ट आईडी में, उसमें मैं कुछ डिफरेंट जो है लूट कलेक्ट करूंगा, वो भी मैं अगर हो सके तो ज़रूर बताऊंगा, कुछ नए अटैक्स के साथ दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो गाइस ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा, और आपको कोई भी डाउट है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो भी ज़रूर मैं बना सकता हूँ। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय।